आईपीएल का 17वां सीजन शुरू हो चुका है और लखनऊ की अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अपना पहला होम ग्राउंड मैच खेलेगी। और हमारे साथ हैं एलएसजी के सीईओ कर्नल विनोद बिष्ट, उनसे जानेंगे कि इस बार एलएसजी अपने फैंस के लिए क्या खास लेकर के आई है और किस तरीके से वो चाहेंगे कि फैंस आएँ और स्टेडियम में अपनी टीम को, पसंदीदा टीम को चेयर अप करें। मिस्टर बिष्ट, इस बार क्या स्पेशल करने जा रही है एलएसजी की मैनेजमेंट? एलएसजी लाइक लखनऊ के लिए हमेशा से ये चाहती है कि खाली सीज़न ही नहीं, सीज़न पूरे समय साल भर हम यहाँ पे अपने फैंस के पास बार बार आएँ और एसोसिएटेड रहें। तो इसके लिए हमने लाइक सीज़न से पहले ही हमने अपना यहाँ पे मार्केटिंग एक्टिविटी शुरू किया था, जिसके अंदर हमने एक एलएसजी का 10 किलोमीटर रन भी किया था। इससे पहले हमने एक सुपर जायंट कप भी किया जो हम यूपी के 4 शहरों में लेके गए और उसका फाइनल यहाँ पे किया। तो हमारा एम लखनऊ और यूपी के लोगों के साथ में पूरे साल भर एंगेज रहने का है, और स्पेशली ताकि ये सीज़न में जब शुरू से हमारे फैंस के बीच में एक्साइटमेंट रहे, ताकि वो अपने टीम को आके चीयर करें। तो इसके लिए हमने ये सब एक्टिविटीज़ के साथ शुरुआत की, और उसको हमने जब स्टेडियम में हमारी टीम आके प्रैक्टिस करने लगी, हमने अपने फैंस और फॉलोअर्स को सबको स्टेडियम के अंदर इनवाइट किया ताकि उनकी प्रैक्टिस देखें और उनकी तैयारियां देखें। और साथ ही साथ जब इवेंट पे बात आती है तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हमारा जो फ़ैन है वो आके एलएजी की टीम को आके चेयर करे, उसके लिए उसको एक कंफर्टेबल तरीके से वो स्टेडियम पहुँचे। इसके लिए हमने जैसे मेट्रो है, उसमें मेट्रो को हमने रात तक देर तक चलाने का प्रोग्राम किया है, वहाँ से बसेज अरेंज हैं जाके जो बसेज हैं स्टेडियम के पास में आके उनको उतारे, और जो हमारे फैंस एंड फॉलोअर्स अपनी गाड़ियों से आते हैं उनके लिए जो पार्किंग की सुविधा है स्टेडियम के पास में, वहाँ से हमने ई रिक्शा चलाए हैं ताकि वो लोग स्टेडियम आराम से अपनी कंफर्टेबल अपनी फैमिली के साथ आके आए। और उसके बाद में जितना भी स्टेडियम के अंदर हमने अपने फैंस के लिए प्राविधान किया है कि ताकि उनकी एंट्री और उनका जो जब मैच के दौरान आके मैच को एंजॉय करें, तो बाकी सब साधनों का भी वहाँ पे एक बड़ा कंसर्न रहता है फैंस का, टिकट का। तो टिकट जैसे पिछली बार था, काफ़ी लोगों को उतने आइडिया नहीं थे कि टिकट कैसे वो लें, कई बार स्टेडियम से वो खाली आ जाते। तो इस बार क्या स्पेशल क्या है कि लोगों एक बुक एक वेबसाइट उस पे तो मिलते हैं, लेकिन टिकट काउंटर के हिसाब से कितना ईजी किया आपने? टिकट सभी लोगों को आईपीएल के दौरान पे काफ़ी उत्सुकता रहती है कि हमको टिकट कहाँ कब कैसे मिलेंगे। हमने पहली बार सीज़न जब लखनऊ में हुआ था तो हमने उस साल भी और इस साल भी हमने हमारी बुक माई शो जैसे एजेंसी है, इस एजेंसी में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन का मतलब है आदमी बुक करता है और उसके पास सुविधा है कि चाहे वो उस टिकट को लेके बॉक्स ऑफिस में जाके खुद ले, या ये भी सुविधा है कि कोरियर के थ्रू उसके घर में आ जाए ताकि उसको असुविधा ना हो। उसके साथ ही बॉक्स ऑफिस हमने प्लाजियो मॉल में और सिटी के बीच में भी हमने दूसरा बॉक्स ऑफिस, और हमने 3-4 टिकट सेंटर किए हैं जहाँ फिज़िकल सेंटर्स हैं, चाहे जैसे वो हज़रतगंज मेट्रो सिटी से लाइक स्टेशन पे, और इसी तरीके से हमने लाइक कुछ सैटेलाइट में भी किया है, सैटेलाइट सिटी में भी किया है कि ताकि आदमी आराम से बुक करके या खुद भी फिज़िकली जाके टिकट ले सकता है। और ये हमारा लाइक हमारा पूरे दिन ये सेंटर चलते हैं ताकि उससे आदमी को और हमारी जो फैंस को सुविधा हो, ताकि वो लोग आराम से पहले से टिकट ले सकें और मैच वाले दिन सीधा स्टेडियम में आए और सीधा एंट्री करें और मैच का एंजॉय करें। पिछली बार देखने को मिला था कि सीज़न के बीच में मिड सीज़न में टिकट के प्राइसेस जो थे उस कम कर दिए गए थे, तो क्या इस बार शुरू से ही कम रखे गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस आए? फैंस को स्टेडियम में आना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम अधिक से अधिक फैंस को अपने स्टेडियम में लाए। तो हमेशा ही इस चीज़ का एक सामंजस्य रखा जाता है कि प्राइस और फैंस को जो स्टेडियम में आते हैं उसका एक बढ़िया कॉम्बिनेशन रखा जाता है, ताकि हमें फैंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। तो इसलिए हमने पिछले साल सीज़न से हमने काफ़ी सीखा है,
और इस बार आप देखेंगे आज के मैच के दौरान हमारे स्टेडियम में फुल हाउस होगा और लखनऊ की जनता आके अपनी एलएसजी को चेयर करेगी। अच्छा, एक चीज़ है जो टीम मैनेजमेंट बतौर सीईओ में आपसे सवाल है, क्योंकि कई बार लोग देखते हैं कि आपकी टीम जो है उसमें बड़े बड़े स्टार है, लेकिन यूपी सेंट्रिक बड़ा स्टार कोई नज़र नहीं आता, या ना ही कोचिंग स्टाफ में कोई बड़ा नाम नज़र आता है, ऐसा या इस तरीके का कोई प्लान है ताकि हिंदी हार्टलैंड है लखनऊ और यहाँ से अगर एक बड़ा स्टार कोई जोड़ा जाए तो शायद एक जो क्राउड पुलिंग करने का जो आपका वो है वो शायद पूरा हो। देखिए, आईपीएल एक प्रोफेशनल लीग है, प्रोफेशनल लीग में जो अच्छे प्लेयर हैं ये ना देख के कि मतलब कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, सबसे अच्छे प्लेयर आके हमारी टीम में खेलने चाहिए और लखनऊ के लोगों को, फ़ैन को इन्जॉय करने। यस, आपकी बात ज़रूरी ठीक है, क्योंकि हम एज ए टीम, हम सीज़न जब आए थे तब तक आईपीएल काफ़ी पॉपुलर था और काफ़ी प्लेयर्स टीमों के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड थे, तो यार कि हमारा लोकल यूपी का प्लेयर अगर यहाँ बड़ा प्लेयर बनता है और अभी ऑक्शन आने वाला है और उसमें अच्छा प्रदर्शन होता है तो हम यूपी एक किसी भी लोकल ब्रांड के लिए ज़रूरी है कि मतलब एक अच्छा लोकल कोई प्लेयर या कोच आए जिसका जो हमारी टीम के साथ जुड़े। हम भी चाहेंगे कि कोई आला दर्जे का प्लेयर आए और हमारे साथ जुड़े, उसके प्लेयर को भी और साथ ही साथ एलजी टीम को भी फैंस का बहुत सपोर्ट मिलेगा। हालांकि देखिए, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि कौन से खिलाड़ी से उम्मीद है, लेकिन आपको एज अ टीम इस बार क्या उम्मीद है, क्योंकि पिछले दो सीज़न में अच्छा प्रदर्शन किया एलजी ने, हालांकि फाइनल में नहीं पहुँचे हैं, लेकिन बताओ टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार आप? हमारी टीम का फोकस क्रिकेट पर काफ़ी है, तो इसी कारण हमारे जो कॉम्बिनेशन है, चाहे आप बहुत बड़े स्टार ना होने के बावजूद भी हमारी टीम ने दोनों ही साल क्वालिफाई किया है, और इस बार हम जस्टिन लैंगा एक वर्ल्ड रिनोन्ड कोच हैं, उनको लेके आए हैं अपने साथ में, ताकि हम वो सीढ़ी को पार करके सीधा फाइनल में, और इस बार हमारा एम ही है कि हमारी टीम एलएजी टीम इस बार चैम्पियनशिप उठाए, ताकि हमारा ये टीम का साथ ही साथ फैंस की जो एक आशा होती है उसको पूरी हो सके। तो ये थे कर्नल बेस्ट, जैसा कि लखनऊ सुपर जायंट्स का लोगो है, अदब से हराएंगे, इस बार उनको उम्मीद है कि अदब से कप उठाएंगे। कैमरामैन विशाल के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज़ लखनऊ।